दोस्तों नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सोमानी। एक तरफ मंत्री बनने के लिए होड़ मची है, बहुत सारे लोग असंतुष्ट है मोदी सरकार में, बहुत सारे लोग अजीत पवार गुट है, चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, और भी जो गुट है, एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के, बहुत सारे लोग हैं जो असंतुष्ट है जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। एक तरफ खींचाखींच चालू है, मंत्री बनने के लिए होड़ मची है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति है जो विगत 10 साल से मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं, बगैर चुनाव लड़े, बगैर इलेक्शन लड़े, और इस बार भी 2024 में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें वही डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो दलित समाज से ऐसे व्यक्ति है जो संसद में मोदी की तारीफ किए नहीं थकते और मोदी नरेंद्र मोदी पर ऐसी ऐसी कविताएं करते हैं, वक्त पर कविताएं करते हैं, समय पर कविताएं करते हैं और लोगों को हंसा देते हैं, ठहाके लगाते हैं लोग उनकी कविताओं पर। ऐसे एक नामचीन, एक चर्चित चेहरा है जो बगैर चुनाव लड़े उन्हें एक मंत्री पद मिला है, विगत 10 साल से वो मंत्री है और इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। संविधान में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को आप बना सकते हो, मंत्री बना सकते हो, लेकिन एक तरफ एक होड़ मची है मंत्री बनने की, बहुत सारे लोग असंतुष्ट है जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, किसी को कैबिनेट नहीं मिला है, किसी को राज्य मंत्री पद मिला है। तो प्रफुल्ल भाई पटेल कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलने के लिए तरस रहे, तो नाराज हो गए हो और उन्होंने धमकी तक दे डाली है कि वे NDA में नहीं रहेंगे, वे असंतुष्ट लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसा एक चर्चित व्यक्ति है जिसे मंत्री बनाया गया है, विगत 10 साल से मंत्री है और तो और अभी इस साल भी 2024 में उन्हें मंत्री बनाया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर से आप उनको पहचानते हैं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए और हमें भेजिए, जो भी जिसका भी सही आंसर होगा उसे हम मुकनायक इंडिया टीवी की तरफ से पुरस्कार दिए जाएंगे, जो भी जिसका भी सही आंसर होगा। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर डालना मत भूलिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।